दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट पे के बारे में। इंस्टेंट पे जो कि एक न्यू बैंक है और यहां पर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट चार बैंक के अंदर ओपन होता है। नॉर्मली अगर आप जाते हैं किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए, मान लीजिए आप ICICI बैंक में गए ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आपका अकाउंट सिर्फ ICICI बैंक के अंदर ही ओपन होगा। अगर आप जाते हैं एक्सिस बैंक के अंदर ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आपका अकाउंट सिर्फ एक्सिस बैंक के अंदर ही ओपन होगा। या फिर आप किसी भी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तो आपका अकाउंट सिर्फ उसी बैंक के अंदर ओपन होगा। लेकिन जो इंस्टेंट पे न्यू बैंक है, इसमें अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट चार बैंक के अंदर ओपन होगा। पहला तो हो गया ICICI बैंक। अगर आप इंस्टेंट पे अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट ICICI बैंक के अंदर भी ओपन हो जाएगा। साथ में अगर आप इंस्टेंट पे अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट एक्सिस बैंक के अंदर भी ओपन होगा और यस बैंक के अंदर भी ओपन होगा और IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर भी आपका अकाउंट ओपन होगा। मतलब इंस्टेंट पे अकाउंट ओपन करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो चार बैंक के अंदर ओपन हो जाएगा। पहला हो गया यस बैंक, दूसरा हो गया एक्सिस बैंक, तीसरा हो गया IDFC फर्स्ट बैंक और चौथा हो गया ICICI बैंक। तो ये काफी अच्छी बात है, आपका अकाउंट एक साथ चार बैंक के अंदर ओपन हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, यहां पर आपको आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, ना ही आपको आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी OTP कोड होते हैं वो सब भी आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। यहां पर मैं आपको लाइव प्रूफ सारी चीजें आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, किस तरह से आप इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। और यहां पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाएंगे। आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, यहां पर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। और साथ में आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कंप्लीट करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, मतलब कि वीडियो KYC नहीं करनी होगी। तो अगर आपको एक ऐसा अकाउंट की तलाश है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और यहां से इंस्टेंट पे ये जो एप्लीकेशन है इसे आपको इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहां से आपको इंस्टेंट पे ये जो एप्लीकेशन है इसे आपको इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही इंस्टेंट पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा आप इसे ओपन करेंगे। जब आप इंस्टेंट पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस एप्लीकेशन के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में आप यहां से देख सकते हैं। यहां से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं इंस्टेंट पे एप्लीकेशन का यूज अभी फिलहाल में कितना लोग कर रहे हैं, कितना लोग यहां पर अपना अकाउंट ओपन किया है, 10 लाख के अराउंड। नीचे में यहां पर आपको कुछ परमिशन देना होगा इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। यहां पर सेफली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहां पर सबसे पहले लोकेशन का परमिशन देंगे, यहाँ पर यूजिंग दिस ऐप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फोन कॉल्स का परमिशन देना होगा, इसे भी अलाउ करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जिस भी मोबाइल नंबर के साथ आप अपना ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। और मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ से प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आपसे लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, इसे आप अलाउ करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद जो भी आपका पैन कार्ड के नंबर होगा अपना पैन कार्ड के नंबर यहां पर एंटर करेंगे और पैन कार्ड के नंबर एंटर करने के बाद यहां से प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड सेंड की जाएगी। जो भी OTP कोड आएगा इंस्टेंट पे की तरफ से आप अपना OTP कोड यहां पर एंटर करेंगे। हालांकि OTP जैसे ही आएगा OTP कोड यहां पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद फाइनली इंस्टेंट पे अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है और आप इंस्टेंट पे एप्लीकेशन में लॉग इन हो जाएंगे। यहां पर इंस्टेंट पे का होम पेज आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, चलिए हम सारे ऑप्शन के बारे में बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका बिजनेस वॉलेट अकाउंट यहाँ पर क्रिएट जो हुआ है, तो बिजनेस वॉलेट का जो भी नंबर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर ही आपका बिजनेस वॉलेट नंबर बन जाते हैं। व्यू बैलेंस पर क्लिक करेंगे, आपके इस वॉलेट में जितना भी अमाउंट होगा वो बैलेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको अपने इस अकाउंट में बैलेंस एड करना हो तो एड मनी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, आप अपने इस अकाउंट में कितना बैलेंस ऐड करना चाहते हैं अमाउंट आप यहां पर एंटर करेंगे। और अमाउंट ऐड करने का आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला तो मिलेगा UPI का, आप UPI के थ्रू भी यहां पर बैलेंस ऐड कर सकते हैं। अगर आप UPI के थ्रू बैलेंस ऐड करना चाहते हैं तो जितना भी अमाउंट आप अपने इस अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं अमाउंट यहां पर एंटर करेंगे, यहां से नेक्स्ट करेंगे और UPI ऐप को सेलेक्ट करके आप पेमेंट करेंगे। ऐसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका अमाउंट यहां पर शो करने लगेगा। दूसरा ऑप्शन आपको एक और मिलता है बैंक ट्रांसफर का, यहां पर क्लिक करेंगे बैंक ट्रांसफर
ट्रांसफर पर। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अकाउंट नंबर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि इंस्टेंट पे में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो चार बैंक के अंदर आपका अकाउंट ओपन होता है, जैसे कि यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। तो इन चार बैंक में आपका अकाउंट ओपन होता है और इन चारों बैंक में जो आपका अकाउंट ओपन होता है तो आपको अकाउंट नंबर और IFSC सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये यस बैंक में जो आपका अकाउंट ओपन हुआ है तो यस बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और IFSC कोड इस साइड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं अपने अकाउंट नंबर और IFSC कोड को। IDFC फर्स्ट बैंक में जो आपका अकाउंट ओपन हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर और इस साइड आपको IFSC कोड देखने को मिल जाएंगे, इसे भी आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सिस बैंक में जो आपका अकाउंट ओपन हुआ है बिजनेस अकाउंट, तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर और इस साइड IFSC कोड देखने को मिल जाएंगे। ICICI बैंक में जो आपका अकाउंट ओपन हुआ है तो यहाँ पर अकाउंट नंबर और इस साइड IFSC कोड देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनमें से कोई भी अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो आपका इसी इंस्टेंट पे अकाउंट में बैलेंस ऐड होता है। आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। आप कोई भी अकाउंट नंबर और IFSC कोड को सेलेक्ट करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं किसी भी UPI ऐप के थ्रू, या फिर किसी को भी आप ये अकाउंट नंबर सेंड कर सकते हैं। और आप जिस भी पर्सन को बोलेंगे इस अकाउंट नंबर पर बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए, वे जो इस अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो आपके इसी इंस्टेंट पे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होगा। तो बैलेंस आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं आप समझ गए होंगे। ऊपर में ही ऐड मनी का ऑप्शन आएगा, ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला आप UPI के थ्रू बैलेंस ऐड कर सकते हैं अमाउंट एंटर करके, यहाँ पर नेक्स्ट करके UPI पेमेंट ऐप को सेलेक्ट करेंगे और पेमेंट करेंगे। दूसरा ऑप्शन मिलता है बैंक ट्रांसफर का, यहाँ पर आपका अकाउंट चार बैंक में ओपन हुआ है यस बैंक में, और यस बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर और IFSC कोड यहाँ पर मिल जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर, IFSC कोड यहाँ पर, एक्सिस बैंक में जो आपका अकाउंट ओपन हुआ है अकाउंट नंबर यहाँ पर और IFSC कोड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से ICICI बैंक में जो आपका अकाउंट ओपन हुआ है तो अकाउंट नंबर यहाँ पर और IFSC कोड यहाँ पर। आप इनमें से कोई भी अकाउंट में अगर बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो आपका इंस्टेंट पे अकाउंट में ही बैलेंस ऐड होता है और उस बैलेंस को आप यहाँ पर व्यू बैलेंस पर क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट में यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मनी इन आपके अकाउंट में जिस भी थ्रू से जब भी पेमेंट आया होगा तो वे बैलेंस आप यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ से बैलेंस आया है और कितना बैलेंस रिसीव हुआ है। आप अपने इस अकाउंट के थ्रू जितना भी ट्रांजेक्शन किए होंगे, जहाँ पर भी पेमेंट किए होंगे, वे आप यहाँ से देख सकते हैं। आपके जो भी रिसेंटली पेमेंट हिस्ट्री होगा, रिसेंटली पेमेंट हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कभी भी किसी के अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करना हो तो यहाँ पर पेआउट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, पेआउट्स पर क्लिक करेंगे। आपने कभी भी उसको पहले बैलेंस ट्रांसफर किया होगा तो उसका हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी मेरा कोई भी हिस्ट्री नहीं है फर्स्ट टाइम किसी के अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पर ऊपर में आपको इनिशिएट पेआउट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप जो यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफर करेंगे क्या आप उसके बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करेंगे या फिर वॉलेट में, वे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो बैंक को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर आपको पेआउट टू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहली बार आपको बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा, तो जिसका भी आप बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जिसके भी बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं उनका कौन सा बैंक में अकाउंट है बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जिस भी बैंक में उनका अकाउंट होगा। बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद उसका जो भी अकाउंट नंबर होगा अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो जाते हैं, यहाँ पर आपको वो अकाउंट शो करने लगते हैं जिस भी अकाउंट को आप यहाँ पर लिंक किया है। अब इस अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए यहाँ से बैक आएंगे, इसके बाद फिर से यहाँ पर इनिशिएट पे आउट पर क्लिक करेंगे और जिसका भी आपने वहाँ पर अकाउंट नंबर को लिंक किया हुआ था अकाउंट नंबर को सेलेक्ट करेंगे, पे आउट टू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उस अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट नंबर यहाँ पर सेलेक्ट जैसे ही हो जाएगा आपको इस अकाउंट में कितना बैलेंस ट्रांसफर करना है अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे। आप इस अकाउंट में IMPS के थ्रू बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं, NEFT के थ्रू या फिर RTGS के थ्रू, ये आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रिमार्क्स ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहे तो ये फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अकाउंट नंबर और यहाँ पर अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो इस अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस एप्लीकेशन में अगर कोई अपडेट आता है या फिर पेमेंट का नोटिफिकेशन रहता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए यहाँ से बैक आते हैं, यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से आप प्रोफाइल में कुछ चेंजिंग करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, इनवॉइस यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको इस अकाउंट में कभी भी पेमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको यहाँ पर हेल्पलाइन
प्लान का ऑप्शन दी जाती है, आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कभी भी आपको आई पिन चेंज करना हो तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इंस्टेंट पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप इसका यूज कर सकते हैं।